तो सबसे पहले गाइज आप सबको आना है प्ले स्टोर पर। आने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे माई जियो एप्लीकेशन लिख करके आप सब सर्च करेंगे तो इसका लोगो फिलहाल कुछ इस प्रकार से है। इसी एप्लीकेशन को आप सबको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आप सब अपने मोबाइल नंबर से इस एप्लीकेशन के अंदर जो है अपना लॉगिन कर लेंगे, मतलब कि साइन अप अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबको एक ऑप्शन दिख रहा है, मोड का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले पे जस्ट आप सबको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबको एक ऑप्शन मिलेगा, जॉब्स का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद आप सबके सामने एक नए पेज आएगा। तो आने के बाद दोस्तों अब आप सब यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, आप सब थोड़ा स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करेंगे और नीचे की तरफ अगर आप सब गाइस यहाँ पर देखेंगे तो आप सबको नीचे में पांच ऑप्शन मिलता है। पहला स्कीम है, सर्विस है, जॉब है, सर्च और प्रोफाइल है। तो आप सबको यहाँ पे सर्विस का जो ऑप्शन है इस वाले पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबको स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आप सबको एक ऑप्शन मिलेगा। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप सब गाइस यहाँ पे एंड में आएंगे तो आप सबको यहाँ पे लोन का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप सब क्लिक कर देंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबको पूछा जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ डिटेल बताया जाएगा कि यहाँ से मिनिमम डॉक्यूमेंट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे, नो पेपर वर्क है, क्विक आप सबके बैंक अकाउंट में पैसा जो है क्रेडिट कर दिया जाता है। होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे यहाँ पे आप सबको प्रॉपर्टी लोन लेना हो, सभी तरीके के लोन दिए जाते हैं। तो आप सबको यहाँ लोन का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सबको जो है क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पूछा जाएगा कि आप सब कौन सा लोन यहाँ पर लेना चाहते हैं, होम लोन या प्रॉपर्टी लोन या फिर पर्सनल लोन। जिस लोन आप सबको चाहिए यहाँ पे अपना लोन को चूज करेंगे। हम फिलहाल पर्सनल लोन लेंगे तो पर्सनल वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सबसे पूछा जाएगा कि आप सब कितना अमाउंट तक यहाँ पे लोन जो है लेना चाहेंगे। तो हम गाइस फिलहाल यहाँ पे मान लीजिए कि आप सबको जितना की जरूरत है उतना राशि यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हम फिलहाल यहाँ पे 1 से 5 लाख की राशि को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सबसे पूछा जाएगा कि आप सब कहीं पे जॉब करते हैं, सैलरी मिलता है तो ऊपर वाले को टिक कर लीजिएगा। अगर खुद का कोई बिजनेस वगैरह आप सब किए हुए हैं तो आप सब बीच वाले को टिक कीजिएगा। कुछ नहीं किए हुए अभी तक तो अनएम्प्लॉयड को टिक कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे सैलराइड वाले को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबसे पूछा जाएगा कि आप सबका एज कम से कम 22 होना चाहिए और मैक्सिमम 65 होना चाहिए, तभी आप सबको यहाँ पर लोन अमाउंट मिलेगा। तो हमारा 22 और 65 के बीच की उम्र है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सबका जो मंथली इनकम है वो 15,000 से प्लस होना चाहिए, कम से कम 15 होना चाहिए। तो हमारा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कीजिएगा। हमारा है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप सबको जो सैलरी मिलता है वो आप सबके बैंक अकाउंट में आता है या फिर कैश मिलता है या फिर चेक मिलता है। आप सबको जिस माध्यम से यहाँ पे सैलरी रिसीव होता है अपना चूज करेंगे। हमें फिलहाल यहाँ पे बैंक ट्रांसफर होता है तो हम बैंक ट्रांसफर वाले को क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आप सब पढ़ेंगे कि लोन सर्विस पर्सनल लोन वन इन्फिनिटी के तरफ से मुझे यहाँ पर लोन दिए जाएंगे। तो मैं आप सबको बता दूंगा कि इस एप्लीकेशन से कई सारे लेंडर जुड़े हुए हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर लोगों को लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस केस में मुझे जो यहाँ पे लेंडर जुड़ा है वन इन्फिनिटी है। तो आप सबको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप सबको एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रहा है, एप्लीकेशन लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लिंक भी है, आप सबको जस्ट इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आप सबके सामने इसका स्टेप यहाँ से ओपन हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप में पर्सनल डिटेल है, दूसरा स्टेप में सैलरी डिटेल है, तीसरा में वेरीफाई फाइनेंशियल होगा। तो आप सब अपना यहाँ पे पर्सनल डिटेल पहला है, यहाँ पे फुल नेम डालिए और मोबाइल नंबर डालिए इस बॉक्स में चेक मार करके। नीचे आप सबको नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से अपना प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो मैं गाइस यहाँ पे बता दूं कि मैं कोई सैलरी पर्सन नहीं हूँ, तो हम यहाँ पे अब बैक आते हैं। स्टेप हो गया, जो लोग सैलरी पर्सन है यहाँ से अप्लाई करेंगे। हम फिलहाल यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हम यहाँ से कुछ बैक आते हैं। तो हम गाइस यहाँ पे सैलराइड पर्सन नहीं है, जो लोग सैलराइड पर्सन नहीं है उनके लिए ये है कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, इस वाले को टिक कीजिएगा। और यहाँ पे बताया जाएगा कि 13,500 से अधिक सैलरी होना चाहिए, तो मेरा है, यस कर देते हैं, बैंक ट्रांसफर होता है। तो उसके बाद इस केस में अब यहाँ पे देखिए कि लेंडर अलग आ गया है, जो लोग सैलरीड पर्सन है उसके लिए अलग लेंडर होते हैं और जो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए देखिए कि यहाँ पे अलग लेंडर मेरा आ चुका है। तो इस केस में अभी जो आया है मनी व्यू आ गया है। तो आप सबको फिर से नीचे यहाँ पे अप्लाई लिंक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद इसका मेन पेज ओपन होगा, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप सबको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे।
मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, डाल लेंगे, उसके बाद पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे और उसके बाद जो भी लोन ऑफर होगा आप सबके स्क्रीन पे होगा। तो हम यहाँ पे देखें कि अपना कुछ डिटेल को फिल कर लिए हैं, तो मेरा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तो हम कम्प्लीट नाउ वाले पे क्लिक करते हैं। तो जो भी आप सबको लोन ऑफर होगा गाइस, यहाँ पे पर्सनल डिटेल को आप सब यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो जो भी लोन ऑफर होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हम अपना डिटेल को फिल किए हैं, तो 45,000 का जो ऑफर है वो यहाँ पे अनलॉक हुआ है, 67,500 है जो अभी फिलहाल लॉक है, और उससे नीचे यहाँ पे 90,000 है जो लॉक है। तो अभी जो फिलहाल मुझे यहाँ पे अवेलेबल हुआ है 45,000 का लोन ऑफर हुआ है, जिसमें 3 से 12 मंथ का समय मिलेगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस वाले पे क्लिक करेंगे गाइस, तो यहाँ पे देखिए कि मिनिमम 5,000 से मैक्सिमम जो यहाँ पे राशि हुआ है 45,000 का राशि मिल गया है। तो हम यहाँ पे कितने मंथ के लिए कितना राशि लेना चाहेंगे, जैसे कि 35,000 का राशि अगर हम यहाँ पर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे देखिए कि 4 ऑप्शन मिले हैं। पहला यहाँ पे 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए लेंगे तो पर मंथ जो EMI बनेगा 13,284 रुपए का, 6 मंथ के लिए लेते हैं तो 7,014 रुपए का, 9 मंथ के लिए लेते हैं तो 4,897 का EMI बनेगा, 12 मंथ के लिए लेते हैं तो 3,843 रुपए का पर मंथ का EMI बनेगा, बाकी प्रोसेसिंग फीस यहां पे लगेंगे 2,684 रुपए। तो ये जो प्रोसेसिंग फीस है ये माइनस करके, मतलब कि 35,000 में से ये जो प्रोसेसिंग फीस है माइनस करके आप सबके बैंक अकाउंट में राशि भेजे जाएंगे। और जितने मंथ के लिए लेंगे यहाँ पे आप सब अपना गुणा कर लेंगे कि टोटल कितना बैठ रहा है, तो आप सबको जितना राशि लेना है यहाँ पे अपना कम ज्यादा कर लेंगे। फिलहाल मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से 5,000 का राशि लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 342 रुपए लगेंगे। 3 मंथ के लिए इस लोन को लेंगे, 1,898 का EMI बनेगा। तो हम यहाँ पे कम कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सब इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आप सबके सामने एक नए पेज ओपन होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबको कुछ डिटेल डालना होगा। हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड दिए थे, तो बिजनेस का नाम डाल दीजिएगा और उसके बाद अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, पिन कोड डालिएगा, एनुअल टर्नओवर क्या है यहाँ डाल दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन टाइप को डालिएगा, नेचर ऑफ बिजनेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप सबका क्या चीज का बिजनेस है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ फिल किया हुआ है, हम यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सब कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे आप सबके सामने एक नए पेज ओपन होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप सबको कुछ डिटेल को फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेल्फी लगेगा, आप सब अपना सेल्फी को कम्प्लीट करिएगा और उसके बाद यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट है, इस वाले पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको अपना बैंक का डिटेल फिल करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है, तो यहाँ पे देखिए कि अब आप सबका जो भी बैंक है यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कीजिएगा कि आप सब किस बैंक में अपना पैसा को लेना चाहते हैं, उस बैंक को यहाँ पर आप सबको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप सबका बैंक है यहाँ से अपना बैंक को जो है आप सबको चयन करना है कि आप सब किस बैंक में अपना पैसा को लेना चाहते हैं। तो जो भी आप सबका बैंक है बैंक को यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा, अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ डालिएगा, IFSC कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे, उसके बाद वेरीफाई नाउ वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सब वेरीफाई नाउ वाले पे क्लिक करेंगे तो आप सबके बैंक अकाउंट में 1 रुपए डिपोजिट करके आप सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पे ऑटो सेटअप कंप्लीट करना होगा, जो कि इंटरनेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से। ऑटो सेटअप इसलिए कंप्लीट करना होगा क्योंकि आप सबका जिस बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा उसी बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली रीपेमेंट भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑटो सेटअप को सिर्फ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आप सब जो है माई जियो एप्लीकेशन से यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं गाइस कि डायरेक्ट माई जियो एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिल पाता है, यहाँ पे कई सारे लेंडर है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो किसी न किसी लेंडर के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस तरीके से माई जियो एप्लीकेशन से लोन लोग प्राप्त करते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे 45,000 मिल चुका है, लेकिन फिलहाल मुझे पैसे की जरूरत न होने के कारण अपने बैंक अकाउंट में नहीं लिए हैं। अगर आप सबको पैसे की जरूरत है तो आप सब अपने बैंक अकाउंट में ऑटो सेटअप को कंप्लीट करते ही बैंक अकाउंट में राशि क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है गाइस कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताएंगे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप सब चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।